प्यारे दर्शकों, बहुत कोए भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे वशीकरण के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको बहुत सारे वशीकरण के उपाय बताते हैं, आपके जीवन की समस्याओं के समाधान बताते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे जो भी नए वीडियोस होंगे उनका अपडेट तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप अपने रूठे हुए प्रेमी को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका रूठा हुआ प्यार जो आपसे बहुत दूर चला गया है वो फिर से आपकी जिंदगी में आ जाए, तो दोस्तों आपको बस ये उपाय करना है। इस उपाय को करते ही यकीन मानिए आपका प्रेमी आपके लिए तड़पने लगेगा, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, आपकी तरफ दौड़ा चला आएगा, आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतना असरदार उपाय मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इस उपाय को करने के लिए आपको बस एक लौंग की जरूरत है। एक लौंग ले लीजिए और उसके बाद आपको उस लौंग को फूंकना है मंत्र का उच्चारण करने के बाद। एक मंत्र है, ओम कामदेवाय अमुकम वश्यम कुरु स्वाहा। इस मंत्र को कहीं कागज पर लिख लीजिए और अमुकम की जगह पर अपने उस प्रेमी का नाम लिख लीजिए जिस पर आप ये वशीकरण करना चाहते हैं। और दोस्तों, उस मंत्र को आपको 111 बार पढ़ना है। 111 बार उस मंत्र को पढ़कर आपको लौंग के ऊपर फूंकना है। जब आप लौंग के ऊपर फूंक चुके होंगे दोस्तों, उसके बाद आपको लौंग को अपने पास रख लेना है। जी हाँ, अपने शरीर में आपको कहीं पर भी ऐसी जगह पर उसे रखना है जहां पर आपको पसीना आता हो और उस लौंग पर वो पसीना लग जाए। जब आप ये कर चुके होंगे, आपको ये कार्य एक रात के लिए करना है, यानी कि आज रात आपने ये मंत्र पढ़ा, लौंग को आपने अपने पसीने वाली जगह पर रख लिया, उसके बाद आपको सो जाना है। दोस्तों, अगली सुबह उठकर आपको उस लौंग को पीस कर अच्छे से पीसना है और उसके बाद उसे चाय में या खाने की किसी चीज में डालकर खुद खा लेना है। दोस्तों, आप जैसे ही उस लौंग का सेवन करेंगे, मात्र कुछ मिनटों के बाद ही आपकी जो प्रेमिका है वो आपको कॉल करेंगी। आपको अगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया है कॉल्स पर, व्हाट्सएप पर, अलग अलग जगहों पर अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो वो आपको अनब्लॉक कर देंगी और खुद आपसे मिलने के लिए समय मांगेंगी। आपके प्यार में बेइंतहा पड़ जाएंगी और उन्हें आपसे मिलने का मन करेगा। उस समय दोस्तों, आपका ये जो वशीकरण का उपाय है ये पूरा हो चुका होगा। और दोस्तों, आप इसे करके देखिए, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जिससे कि तुरंत आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई सवाल है, आपका कोई और अगर आपका प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर। हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।